सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहत गणेश। पांच देव रक्षा करे तो ब्रह्मा विष्णु चलो बुलावा आया है। किसी भी इंसान का बस नहीं है, अगर माँ बुलाती है तो भगत जाता है। आप में से कितने लोग वैष्णो धाम गए, क्या बात है। मेरे भी जीवन में एक बार सौभाग्य मिला था मुझे महारानी के दर्शन करने का। महाराज जी आप भी गए वैष्णो धाम, ठीक है, क्या बात कर रहे हैं। अच्छा चलो, मेरी कोशिश रहेगी बाकी तो महारानी की कृपा। 11 अक्टूबर महाअष्टमी के दिन महारानी का बुलावा आया है, निज धाम में माँ की गुफा में कीर्तन करने का अवसर मिल रहा है। तो अगर महारानी की कृपा हुई तो मैं और महाराज जी माँ साथ में मिलेंगे, बाकी तो माँ जाने, माँ की मर्जी। हाँ जी, आप में से कितने चाहते हैं कि आपकी चिट्ठी में लेकर के जाऊं, पोस्टमैन आपके बीच आया है, उठाओ जरा दोनों हाथ और सारे मिलकर एक साथ जरा प्रेम से बोलो, सारे बोलो हो तो हाथ उठा लेना। जिसने जितना दर्द सहा है, जिसने जितना दर्द सहा है उतना चैन भी पाया है। चलो बोला बोलो, सारे बोलो, प्रेम से बोलो, माँ पार करेगी, माँ झोली भरेगी। अरे जय माता दी कहते जाओ आने जाने वालों को, अरे जय माता दी कहते जाओ आने जाने वालों को। अगली लाइन अगर सच्ची हो तो हाथ उठा लेना। जिसने जितना दर्द सहा है, जिसने जितना दर्द सहा है उतना चैन भी पाया है। चलो बोला कितने हनुमान जी के भगत बैठे हैं यहां पर, कितने बैठे हैं जो हनुमान जी के भगत है, दोनों हाथ उठाना और एक एक भगत की आवाज आएगी मेरे साथ। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। जब से रामायण पढ़ ली है एक बात मैंने समझ ली है, रावण मरे ना श्री, रावण मरे ना श्री, और लंका जले ना हनुमान। अच्छा एक हाथ राम जी के लिए उठाओ, एक हाथ, सिर्फ एक हाथ, और दूसरा हनुमान जी के लिए। इनका मिलन करना है तो क्या करना पड़ेगा अच्छे से। रावण मरे ना श्री राम के बिना,